चारों के चारों टायर ऊपर है, एक नीचे नहीं है भाई। अंदर लोग तो नहीं है, अंधेरा आप देख सकते हैं, मतलब सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा है। जानवर आने पाया तो पना ही कर देगा। कसोल में घूमते घूमते हमें ये तो पता चला कि अगर आप कहीं पे भी खड़े होके ग्रीन एस पूछ लिए। फिलहाल अपन का ये रास्ता है। Hey guys and welcome back to my vlog channel। हम लोग सुबह 10 बज रहे हैं, चेकआउट का समय आ चुका है मनाली से। मनाली अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। हम बिल्कुल अपने सामान के साथ रेडी हैं, हमारा मित्र रेडी है और हमें ये व्यू जो कि किसी सुबह उठ के देख नहीं पाए किसी दिन भी, लेकिन हो गया, ये व्यू भी ठीक ही था। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से चेकआउट करके, अब निकलेंगे। अपन का नेक्स्ट प्लान है कसोल जाने का, क्योंकि कसोल आने का हमारा शुरू से मन था। जब ये ट्रिप हम लोग प्लान कर रहे थे तब हम सोचे थे कि कसोल आएंगे, क्योंकि कसोल घूमना ही मेन टारगेट था। लेकिन फिर जल्दी जल्दी वही जो चीज़ थी कि लास्ट मिनट में फिर डिसाइड हुआ कि मनाली चलते हैं, तो फिर मनाली आ गए। तो हो गया, फिलहाल अब मनाली आ ही गए तो मनाली पूरा घूम लिया, सारी चीज़ें कवर कर ली। अब बढ़ते हैं कसोल की ओर और दिखाते हैं कसोल में कैसा क्या है। वहाँ भी अभी मैंने इतने थोड़ी आलसी हम लोग कि हमने अभी तक कोई होटल बुक नहीं किया है। देखते हैं, यहाँ से पहले फिलहाल चेकआउट करते हैं, आगे दिखाते हैं कैसा क्या है। और ये मनाली की प्यारी रोडों को, प्यारी गलियों को बाय बोलते हुए अपन बढ़ रहे हैं अब कसोल की ओर। और कसोल यहाँ से 80-85 किलोमीटर है, तो अंदाज़ा देखो, वैसे तो रोड वगैरह भी ख़राब है भैया बता रहे थे, लेकिन अब देखो जितना समय लगे पहुँचने में। रास्ते में जा रहे थे, हमें दिखा कि राफ्टिंग चल रही है, करने का बड़ा थोड़ा मन तो होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसे लोग आए हैं जिनके उसी में लिखा है कि पानी से दूर रहना, तो अकेले मैं क्या ही करूँगा वहाँ जाने में। राफ्टिंग मैंने तो खैर एक बार कर चुकी है ऋषिकेश में, इसने नहीं की है, ये कभी करे कभी लगता है। हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल आ चुके हैं, रास्ते में एक जगह खाने रुके थे, वहाँ पे अपन देख रहे हैं कि रिवर राफ्टिंग हो रही है किनारे पे। तो सोचा थोड़ा सा रिवर राफ्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा रिवर छू के आ जाएं, तो हो गया यहाँ से उतरते हैं। अपन आ गए हैं यहाँ बिल्कुल किनारे पे और बहुत ज़्यादा, तो तुम भी पी सकते हो, सब पी सकते हैं। कहे माता चुत, हम कहे हमरे कहे जनरेटर फिट है, आओ पाँव डाल के बैठे, तुम अपना मुंह डाल के बैठो। सुनो ना, तुमको मना किया गया है ना पानी से, जब भी माधर बुद्ध बहुत उधर ना जाना पे, बहुत तो कहीं ना जाए, यहीं तेरा करेंगे पानी की टेस्टिंग कि कैसा है पानी, कितना ठंडा है। अरे वाह, सीधे बर्फ है ये, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है भाई, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा ठंडा भाई, बहुत ही ज्यादा ठंडा है भाई। मजा आ गया, मजा आ गया, चल जाए तो ठीक ही है। बहुत अच्छा व्यू, इतना प्यारा पानी, इतना ठंडा पानी, इतना ज्यादा ठंडा पानी है भाई कि हम लोग 5-10 सेकंड होल्ड नहीं कर सकते हैं। ओ होल्ड, ओ होल्ड, होल्ड नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके, ताजा ताजा बहुत ठंडा पानी था, जग्गा खुल गया सुबह से जो नहीं खुला था, बिल्कुल सारी इंद्रियां खुल गई हैं, बहुत ही मस्त पानी था। ज्यादा नहाएंगे धोएंगे तो नहीं, क्योंकि नंगाई हो जाएगी, नंगाई क्या ही, घर वालों से बोल के आए हैं कि पानी से दूर रहेंगे तो पानी से दूर ही रहेंगे। वापस हमारा खाना लग चुका है, मैगी खाते घर में गर्म बढ़िया, और चलते हैं यहाँ से। अपन अभी फिलहाल कुल्लू से आगे बढ़ गए हैं, कसोल जा रहे हैं और जाम देख लीजिए, और बताया जा रहा है कि आगे भी जाम लगा हुआ है, आगे रोड भी ख़राब है। अभी यहाँ से कम 40 किलोमीटर भी है और पता नहीं क्या है। हम लोग 10:30 बजे घर से निकले थे, 1:30 बज चुके हैं, अभी भी 40 किलोमीटर है, अभी तक हम लोग सिर्फ 40 आ पाए हैं अभी बिना जाम के। अब जाम में 40 कैसे पहुँचेंगे समझ नहीं आ रहा। और एक गाड़ी हमारे आगे है जो स्ट्रगल कर रही है, हम लोग भी काफ़ी स्ट्रगल कर, हम लोग भी हमारे सामने एक गाड़ी फंस चुकी है जो कि आप देख रहे हो। देखिए फुल पावर नो बकायती, इनको दिखा रहे आप, इनको देख रहे हैं आए सारी पूरी जितनी इंडिया की जनता है, सब आ गई मदद कराने दो लड़कियों को, देख कितने मादर चोद ये देखो, पर ठीक है भाई, अभी हम लोग फंसे होते तो मादर जो साइड से गिरा देते हम लोग के साथ। चलो निकल चुकी है, ब्लॉग चालू नहीं, बहुत संघर्ष हुआ है अभी, ये भी स्किट मार रही है, लेकिन लॉर्ड अल्टो को बार बराबर कोई फिक्र नहीं है भाई, वो अर्टिगा है उसको निकलने में इतना समय लगा, एक बार भी निकली है एक बार में। ये अभी हम लोग जा रहे थे और रास्ते में ये चार चक्का ऊपर भाई, बहुत गलत सीन है, बहुत ही गलत सीन है, पूरी उल्टी पड़ी रखी है यार यहाँ तो।
चारों के चारों टायर ऊपर है, एक नीचे नहीं है भाई। अंदर लोग तो नहीं है अब, ये पता नहीं कैसे जिसकी गाड़ी में। देखिए ऐसे एक्सीडेंट हुआ। अगर भीड़ी भीड़ी कैसे चढ़ गई भाई, ऐसे देखो ऐसे चढ़ गई और ऐसे हो गई। हां हां अच्छा, अगर आप हिमाचल घूमने आते हो तो अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके होटल में। भाई अगर भाई मैं कह रहा हूं कि ना चलाते, मैंने बिल्कुल ना चलाओ इस तरह, ना करता है ना पालो। जो भाई 10 साल से चला रहा है, बचपन से चला रहा है, उसको चलानी चाहिए। तुम नए नए गाड़ी नौ सीखिया लेकर आ गए, मादर चौदह चुटवा दी पूरी कटा सीधी उल्टी पड़ी है, अपने परिवार की भी ऐसी तैसी करा दी है। इससे अच्छा जो चलाता है जिसका काम है उसको वही करने दो। आप जहाँ दिल्ली तक आओ मनाली में रुको, वहाँ से कैब करो, घूमो, फिर अपनी गाड़ी लेके वापस चले जाओ। बेस्ट। हम लोग का पहले मन करता था कि गाड़ी वगैरह कार से पहाड़ जाएंगे घूमेंगे, उतना मन मरते जा रहा है अब धीरे धीरे ये सब देख के। एक तो इतना जाम लगता है और इतना सब पंचायत ट्रैफिक इतना ट्रैफिक लगता है, इतना सब कुछ देख के मन मरने लगा है। अब लगता है बढ़िया आओ टैक्सी में घूम लो, स्कूटी चला लो बेस्ट है। स्कूटी से बेस्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूटी से घूमो बढ़िया, चारों तरफ से हवा अलग लगेगी और जाम लगेगी तुम्हारे पार कुछ ना उखाड़ लेगा जाम, अपने लिए लगेगा जाम। तुमको सीधे बीच से घुसते रहना सीधे पार पार। और ये हमारी गाड़ी अलग, सामान अलग, आदमी अलग, और अपन पहुंच चुके हैं कसोल। ऐसा है कसोल, मुझे तो कुछ खास लग नहीं रहा है लेकिन देखते हैं। अपन आ गए कसोल साथ में कोहली को लेके और महाकोहली को लेके, और हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल छलाल, क्योंकि छलाल का रास्ता यही है भैया। कितने दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर है छलाल। और ओ नाइस यार, अंश भाई कसोल में ही है, उन्होंने बोला कि छलाल में रुकना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, तो हम लोग छलाल ही जा रहे हैं। हमारे ऊपर थोकी सी कम आ जाती। हाँ तो और सही बताओ एक चीज़, तो यहाँ आधी जगह गांजा महक रहा है, आधी जगह गांजा महक रहा है, सच में सच। फिलहाल अपन का ये रास्ता है और यहाँ पे कुछ टैक्सी वगैरह मिलती नहीं है तो हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है। वॉकिंग डिस्टेंस में है 1-2 किलोमीटर का, इसलिए पैदल ही जाना पड़ रहा है। हम लोग बस निकल रहे हैं, होटल हमें पता चल गया कहाँ पे आ गया है। थोड़ी बहुत चलना फिरना पड़ रहा है, लेकिन यही है यार कि अगर घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। अब तुम्हें लगे कि तुमको सब दुआरे मिल जाए तो बाहर नहीं मिलेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा ही, थोड़ा कष्ट भी होगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन ठीक है बाहर आए हो यार, इसी से सीखोगे, करोगे कुछ ना कुछ करोगे, नहीं तो मराओ घर में बैठो। इनको बड़ी दिक्कत हो रही, कह रहे हैं कि मैं थक गया ये हो गया, ऐसा नहीं होता है, बाहर आए हो तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो मत आओ। बुराई सुन रहा है अपनी, मतलब 1 किलोमीटर के ऊपर आ गए हम लोग चलते चलते, लेकिन हो गया। सबसे भारी बैग ये वाला है जो मैं पेट में टांगा हूँ, मेरी छोटी सी ट्रॉली लेके वो आ रहा है क्योंकि उसमें कुछ सामान नहीं है। जानते हो बिटिया बिटिया लेके आए हूँ अपने साथ। और सबसे अच्छी चीज़ बता दूँ, छाया हो गई सोच, नहीं तो धूप थी अभी तक, तुझे पता। हाँ पानी वाले रास्ते में कल सुबह चलेंगे फुर्ती कराने, हाँ, और अभी शाम में बस घूमते हैं या नाइट में कहीं क्लिक करा लेंगे, कराना होगा तो अभी मेरा फ़िलहाल देवांशु भाई ऊपर ही है, मैं उनको छोड़ के यहाँ नीचे कैंप वगैरह पता करने आया था। तो हम होटल पे ना रुक के अब कैंपिंग करने का सोच रहे थे, यही मूड था कि कसोल आएंगे तो कैंपिंग करेंगे, और अब वही कर रहे हैं। और ये नदी के किनारे अपन कैंपिंग कर लेंगे, हमारा भाई ऊपर से आ रहा है, उसकी मदद कर दे जल्दी से, तो गिर ना। बाकी हमारा साथी फुल सामान लेके नीचे उतर रहा है। तो हमने फिलहाल ये जो कैंप है ये हमने बुक किया है, और मैं दिखा देता हूँ कैंप कैसा है। बहुत ज़्यादा ठीक खास तो नहीं, लेकिन हो गया ठीक है, बढ़िया कैंप ऐसे ही होते हैं। इधर कुछ बाथरूम है, उधर पे सेपरेट बाथरूम है, और ये हमारा कुछ व्यू है, और सामने वो नदी बह रही है, तो पानी बरस रहा है, बूंदें पड़ रही हैं, और मौसम कुछ ऐसा है, समय हो रहा है 5 बजने वाले हैं, और मौसम कुछ ऐसा हो गया, मौसम बढ़िया है, चलो कम से कम धूप नहीं है, धूप होती तो और बरन होती, बस यही है बरस दे जो भी है। अभी फिलहाल नहा धो के निकलेंगे, तो शाम के बजने लगे हैं 6 और अपन फुल रेडी होके निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे थे कसोल मेन मार्केट की तरफ, तो अभी पानी बरस रहा है, मौसम भी ख़राब है, अभी आंधी वगैरह भी चली है और पानी लगातार बरसे पड़ा है, इसमें भी पड़ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, लेकिन बरसात हो रही है, देखते हैं ज़्यादा पानी बरस देगा तो। मेन दिक्कत ये है कि कसोल मार्केट से हम जहाँ रह रहे हैं वो भी थोड़ी दूर है, उधर आने जाने में भी दिक्कत जाएगी, बरस देगा तो पिलर जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कोई बात नहीं भीग लेंगे एक दिन, और थके तो जो हुए हैं तो मैं क्या ही बताऊँ। कसोल में घूमते घूमते हमें ये तो पता चला कि अगर आप कहीं पे भी खड़े होके ग्रीन ऐश पूछ लिए
तो मतलब आप स्मगलर ही हुआ हो, कहे कि हम लोग जब से आए हैं तब से इतने लोग पूछ चुके हैं शायद इनका भी यही मकसद था, कैमरा देख के पूछ नहीं पाए। चुपके से आएंगे, पूछेंगे माल क्या क्या बोलते हैं, ग्रीन ऐश है ऐश वीड कसोल इज पता है ओके मनाली घूम के आ रहे हैं, मनाली इज फार बेटर देन दिस शिट नहीं हो गया, मतलब ठीक है लेकिन नॉट दैट गुड। तो अपन अभी फिलहाल घूमते फिरते यहाँ इस कैफे में आए हैं, बहुत ही ऐसा कैफे हम ढूंढ रहे थे जो कि ऐसा कुछ मिल पाए कि थोड़ा बगल में तालाब हो और यहाँ कुछ खा पी लें तो बढ़िया मजा ही आ जाए। काफी समय हमने एक कैफे में बिता दिया, एक कैफे में एक बहाना, पहले एक चीज ऑर्डर की, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर एक इस तरह करते करते हमने 2 घंटा वेस्ट कर दिया यहाँ पे बैठे बैठे। और ये हम लोग रात में चल पड़े हैं, रात के 10 हैं लगता है, ज्यादा नशे कर लिए हैं, 10-15 होने लग गए और अपन बिल्कुल एकदम सुनसान रास्ते पे निकले पड़े हैं। मतलब जो जहाँ पे अपन रुके हुए हैं सुबह तो ठीक ही था, आंखें मैं न मारूँ तो गिर पड़ूंगा सही में, और निकल पड़े बिल्कुल ही सुनसान है, न एक आदमी उधर मिल रहा है न एक आदमी उस पार मिल रहा है, बीच बीच में थोड़ी दुकानें हैं, वहाँ पे दारू पीते हुए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बस वही है कि अगर कोई अटैक किया है तो बस डिफेंस ही करेगा, जो भूत ना सा रहा है मादा चल स्वयं इसको देख के कोई डर जाए, पूरा सफेद कपड़ा पहना है, क्या हो गया बे इस तरह सफेद कपड़ा पहन के चल के आ रहे हो, मैं स्वयं डरूं तुम्हें देख के। मैं अपने ब्लॉग में नहीं बता पा रहा, मैं आपकी एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं कि कसोल ट्रिप 6,000 मनाली ट्रिप 7,000 आई ये बजट ट्रिप है, उनको तो मादा चो ढूंढ के गाली देना क्योंकि यहाँ 40,000 पुकर गए 3-4 दिन में। तो गाइस कभी किसी के उसमें मत आइएगा कि 6,000 में हो जाएगा 7,000 में होगा, कुछ नहीं अपना बजट बना के ना कम से कम 15-20,000 तक का जेन्युइन, क्यों भाई तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो अगर तुम 5,000-6,000 में आ रहे हो तो खा ही ना पाओगे, बस सिर्फ आ ही पाओगे, खाना पीना घर से पैक करके लाना 4-5 दिन का, और रहने का भी देख लेना, जो आज के बाद वीडियो डाला है कि 6,000 में है तो उसको जाके गाली मेरी तरफ से देना। सही बात है यार, ये बात तो मैं मानूंगा कि 6,000 में मनाली, 6,000 हमारे दिल्ली में लग गया, दिल्ली पहुंचते 6,000 लग गया तो हम ज्यादा थोड़ा क्या यार वो सब छोड़ते हैं। और बढ़िया मेन लोकेशन बहुत प्यारी, पकड़ना गलत आ गए, क्या गलत आ गए बार, गलत आ गए, गलत आ गए, तुम बकचोद तो हो माधव चोद, ये रास्ता था, हाँ लगता है रात को कोई वहाँ छलावा चलता है क्या इधर भाई, इतना मतलब गांड दम है तो रात को एक बजे आएगा यहाँ पे, लगा ले 500 के आ जाऊंगा, 500-500 के क्यों लगाऊं, क्योंकि फ्री में कोई काम नहीं करता तुम तो यार ये होता भाई ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा अंधेरा, इतना अंधेरा एक फ्लैश लाना इसकी अंधेरा आप देख सकते हैं, मतलब सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा है इतना अंधेरा है, और अपन चले पड़े हैं, अच्छा लग रहा है, एडवेंचरस है, एडवेंचरस क्या ही डर है, गलती भर से कोई जानवर दाएं बाएं से इंसान हो फिर भी लड़ लेंगे, जानवर आने पाया तो पनाह कर देगा, और अगर कोई हमसे तेज भागने वाला जानवर आ गया तो निश्चित पनाह कर देगा। तो बस हो गया, इस ब्लॉग को भी अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।